हेलो एवरीवन वेलकम टू फार्मारॉक्स यूट्यूब चैनल फार्मारॉक्स के यूट्यूब एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है सो so, आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे मेडिसिन बेसिक यूज ऑफ ड्रग्स एंड क्लासिफिकेशन एंड दिस इज अवर पार्ट सिक्सटीन वीडियो ऑन दिस टॉपिक सो मेडिसिन के पार्ट सिक्सटीन वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है और आज के लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ऑन एंटी ड्रग्स की जो हमारा पार्ट सिक्सटीन वीडियो लेक्चर है ऑन मेडिसिन स्पेशली बीज ऑन एंटी लेप्रोटिक ड्रग कि ये जो टैबलेट्स आती है कि जिसको हम यूज़ करते हैं लेप्रोसी के ट्रीटमेंट के अंदर तो जिसके अंदर इंक्लूड है ये सल्फोन कि जिसको डेप्सोन कहा जाता है कि सल्फोन क्लास की जो ड्रग्स है उसका फेमस टैबलेट है वो है डेप्सोन की जो टैबलेट आती है वो फिर फिनाजेन डेरिवेटिव में से क्लोफाजी माइंड ड्रग है एंड एन, एंटीट्यूबल कलर ड्रग्स में से रिफाम पिन एंड इथियोनामाइड जो है वो यूज़ होते हैं टू तो ट्रीट लैप्रोसी फिर दूसरे भी एंटीबायोटिक उसके साथ प्रेफर किए जाते हैं लाइक ओफ्लोक्सासिन है मॉग्जीफ्लोक्सासिन मीनोक्साइक्लिन क्लैरिथ्रोमाइसिन वगैरह को जो है वो यूज़ किया जाता है तो बेसिक ये तीन ड्रग्स का कॉम्बिनेशन बनता है कि जो मैं यहाँ पे आपको डिस्कस करता हूँ कि लेप्रोसी के अंदर मेनली ये तीन ड्रग्स के कॉम्बिनेशन ज़्यादा प्रेफर किए जाते हैं एक है डेप्सोन कि डेप्सोन एक फर्स्ट सेकंड है क्लोफाजीमाइन एंड थर्ड इज़ द रिफाम्पिन या फिर रिफाम्पिसिन तो ये तीनों के कॉम्बिनेशन को हम यूज़ करते हैं टू तो ट्रीट लैप्रोसी तो उसी के बारे में हम आज के जो ये लेक्चर है कि बेसिक यूज़ ऑफ ड्रग्स एंड मेडिसिन तो उसके अंदर हम एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स को डिटेल में स्टडी करेंगे तो ये है एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स कि जो उसके अलग अलग ब्रांड नेम और उसके जो मेन आप बॉक्सेस वगैरह देख सकते हैं कि जो पिरामल हेल्थ केयर का प्रोडक्ट है क्लोफाजिमाइन कैप्सूल आर रहती है मतलब कि प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स रहती है ये क्लोफाजिमाइन कैप्सूल्स रिफाम पिसिन के आप कैप्सुल सकते हैं अलग अलग स्ट्रेंथ के अंदर एंड सेम डेपन इज ऑल्सो द प्रिस्क्रिप्स ड्रग्स के उसके ऊपर भी आप देख सकते हैं ये आर एक्स तो ये एंटीलिक ड्रग्स के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे सो बी अपडेटेड विदार्मर नॉलेज फॉर दैट सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस ऑन द बेल आईकॉन एंड नेवर मिस एनी वीडियो ऑफ फार्मरॉक्स डाउनलोड फार्मर एंड्रॉइड एप्लीकेशन ऑन गूगल प्ले एंडल आईफन एप ऑन

तो कुष्ठ रोग के ट्रीटमेंट के अंदर जो हम मेडिसिन यूज़ करते हैं उसका जो मेन बेसिक यूज़ हम जानेंगे प्लस उसके डोजेस के बारे में जानेंगे एंड किस तरह से वो मेडिसिन की इफ़ेक्ट होती है बॉडी पर तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लेप्रोसी मतलब कि जो कुष्ठ रोग है क्रोनिक इन्फेक्शियस डिसीज है कि जिसके अंदर कैरेक्टराइज बाय द लेसन ऑफ पेरिफेरल नर्व स्किन म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द यू आर टी की जिसको हम कहते हैं नसल म्यूकोसा वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट रिकॉर्डेड डिसीज़ की जो पूरे दुनिया की सबसे पुरानी डिसीज को हम देखें तो वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट रिकॉर्डेड डिसीजे लैप्रोसे की जिसको कुष्ठ रोग कहते हैं हम हिंदी के अंदर वो कुष्ठ रोग के नाम से जाना जाता है कुष्ठ रोग को भारत में कोड भी कहते हैं कि कोड लेप्रोसी ये सब वगैरह उसके सिनोनिम्स नेम है ये होने का जो कारण है ये है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको हम कहते हैं माइक्रो लेप्रे कि उसका इंफेक्शन होने के कारण पर्सन को लेप्रोसी होती है कि माइकोबैक्टीरियम लेप्रे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसीज लेप्रोसी ड्यू टू दबेबिलिटी ऑफ इफेक्टिव एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स नाउ इट इज़ एंटायरली क्यूरेबल बट डिफॉर्मिटीज डिफेक्ट ऑलरेडी इनक्योर मे नॉट बी रिवर्स कि जैसे हम अलग अलग डिसीज को सीखते हैं तो वैसे लेप्रोसी के अंदर क्या है कि जो एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स की जो हम आज सीखने वाले हैं उसके कारण लेप्रोसी की ट्रीटमेंट अब पॉसिबल है और उसको हम क्योर सक कर सकते हैं कि लेप्रोसी इज नाउ क्यूरेबल डिसीज बिकॉज हम इसको अब क्योर कर सकते बट उसके कारण जो डिफॉर्मिटीज होती है कोई डिफेक्ट होती है कि जो ऑलरेडी फॉर्म uh, हो चुकी है डिफेक्ट तो उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते तो उसके ट्रीटमेंट जो हम देखें तो सबसे पहले 1941 के अंदर uh, प्रोमिन करके ड्रग यूज़ होती थी वो भी सल्फोन ड्रग ही थी सो एफिकेसी बट रिक्वायर्ड मेनी पेनफुल इंजेक्शन काफ़ी इफेक्टिव रहता था वो बट बहुत सारे पेनफुल इंजेक्शन लेने पड़ते थे पेशेंट को और ये कंडीशन है इन 1941 की 1941 की ये कंडीशन है रिगार्डिंग द लैप्रोसी तो उसका जो ये मेडिसिन है प्रोमिन की सल्फोन ड्रग था वो भी उसके बाद 1950 के अंदर फाउंड हुआ डेप्सन कि डेप्सन पिल वेर फाउंड टू बी इफेक्टिव इन 1950 बट सुन इन 1960-1970 नाइनटीन सेवेंटी लैपरे डेवलप रेजिस्टेंट टू डेप्सोन। अब जो कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है कि जिसके कारण ये डिसीज होता है वो ऑर्गेनिज्म ने ही ये ड्रग के सामने अपना रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया कि माइक्रोबैक्टेरियम लैपरे ने उसके सामने क्या डेवलप कर लिया रेजिस्टेंस तो अब वही बात फिर से हो गई कि मेडिसिन तो मिली कि जो काफ़ी इफेक्टिव थी बट उसके सामने माइक्रोब ने रेजिस्टेंस क्रिएट कर लिया जिसके कारण अब क्या होता था वो मेडिसिन जो है उसकी इफेक्ट धीरे धीरे कम होने लगे सो so फिर क्या हुआ मल्टी ड्रग थेरापी को फाइंड आउट किया गया एमडीटी की जिसको हम कहते हैं मल्टी ड्रग थेरापी जिसको हम क्या कहते हैं मल्टी ड्रग थैरापी और ये मल्टी ड्रग थैरापी के अंदर एक से ज़्यादा मेडिसिन को जब आप कॉम्बिनेशन में यूज़ हैं कि लाइक आपके पास डेप्सोन भी है प्लस ये रिफाम पिसिन है और प्लस साथ में क्लोफाजिमाइन तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन आप अलग अलग तरीके से बनाकर जब लेप्रोसी के लिए यूज़ करने लगे तो वो काफ़ी इफेक्टिव होने लगा और अभी तक ये कॉम्बिनेशन जो मल्टी ड्रग थेरापी है वो अभी तक यूज होती है टू ट्रीट लेप्रोसी सो दिस मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट वॉज रिकमेंडेड बाई डब्ल्यू एच ओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन नाइनटीन फोर्टी वन एंड रिमेन्स विथ माइनर चेंजेस द थेरापी ऑफ चॉइस तो ये पॉइंट आपको खास पकड़ के रखना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थेरापी ऑफ चॉइस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ए लेप्रोसीज ए मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट और मल्टी ड्रग थेरापी ऑफ थ्री ड्रग डेपन रिफॉर्मिन एंड क्लोफाजिमाइन तो ये डी आर सी को आप याद रखना है लेप्रोसी के लिए सिंस नाइनटीन नाइनटी फाइव डब्ल्यू एच ओ प्रोवाइड फ्री एम डी टी फॉर ऑल पेसेंट इन दर्ल्ड ये आपके लिए बहुत ही अच्छा नॉलेजेबल क्वेश्चन है कि नाइनटीन नाइनटी फाइव से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फ्री में मल्टी ड्रग थेरापी प्रोवाइड कर रही है सभी पेशेंट्स को इन द वर्ल्ड की जो स्पेशली जो सरकारी अस्पताल होते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल से कुष्ठ रोग की जो दवाई है वो पेशेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है जिसका कोई भी पेमेंट नहीं करना होता कंप्लीटली ये मेडिसिन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है सो एम डी टी हवे पर डज नॉट अल्टर द डैमेज डन एन इंडिविजुअल बाय माइक्रोबिक्टन लैपरे बिफोर एम डी टीज स्टार्ट अब जो एम डी टी यूज़ करने से पहले जो कोई डैमेज हो जाता है डिसीज़ के कारण तो वो जो है वो क्योर नहीं होता इसके अंदर कि जब आप मेडिसिन स्टार्ट करते तो उसके बाद उससे पहले हुए डैमेज वो जो है वो ट्रीट क्योर नहीं होते कि जो हम डिफॉर्मिलिटीज की बात कर रहे हैं बट जो गवर्नमेंट की जो स्कीम है एन एलिपी बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम ये है उसका लॉगो uh, का इज अ हेल्थ स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इरेडिकेट द लेप्रोसी इन इंडिया कि भारत में से लेप्रोसी को कम्प्लीटली ख़त्म करने के लिए जो नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम है वो चलाया जाता है uh, भारत सरकार द्वारा कि जिसको हम कहते हैं कि आरोग्य और परिवार कल्याण विभाग मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर उसको जो है वो हैंडल करता है एंड इट वॉज लॉन्च इन नाइनटीन एटी थ्री एज अ कंटिन्यूएसन ऑफ द नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम ऑफ नाइन्टीन नाइन्टी फाइव तो अभी जो लेटेस्ट में हम देखते हैं कि नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम जो था 1955 का उसको रिप्लेस करके 1983 में नेशनल लेप्रोसी ई प्रोग्राम एन जो है वो स्टार्ट किया गया गवर्नमेंट के द्वारा सो क्लासिफिकेशन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो बेसिक हमारी मेडिसिन है कि बेसिक मेडिसिन फॉर या फिर बेसिक ड्रग्स तो जो बेसिक ड्रग्स या फिर जो मेडिसिन होती, होती है लेप्रोसी के लिए तो वो है सबसे पहले डेप्सोन कैटेगरी की ड्रग सॉरी सल्फन कैटेगरी की ड्रग डेप्सोन फिनाजिन डेरिवेटिव की क्लोफाजिमिन एंटीट्यूबरिकलर ड्रग रिफामपिन इथियोनामायड और अदर एंटीबायोटिक्स के अंदर ओफ्लॉग्स आप यूज कर सकते हैं मॉगजी फ्लोगजासिन है मिनोसाइक्लिन है, है क्लैरिथ्रोमाइसिन वगैरह भी वाइडली यूज होते हैं बट बेस्ट कॉम्बिनेशन जो हम बात करते हैं मल्टी ड्रग थेरापी एम तो एम के अंदर डेप्सोन रिफाम एंड क्लोफाजिमाइन डी आर सी जो कॉम्बिनेशन बनता है मल्टी ड्रग थेरापी का कि यह है डेप्सोन कि डायमिनो डाइफिनाइल सल्फोन कहते हैं उसको इसीलिए डेप्सोन को दूसरा नाम दिया हुआ है शॉर्ट में डी डी एस एक डी मतलब कि डायामाइनो दूसरा दी मतलब की डाईफिनाइल एंड थर्ड वर्ड एस इज मीन द सेल्फॉन द सिंपलेस्ट ओल्डेज चीपेस्ट मोस्ट एक्टिव एंड मोस्ट कॉमनली यूज मेंबर ऑफ दिस क्लास सल्फोन डेरिवेटिव ऑल अदर सल्फोन हैव बिकम ऑब्सोलिट तो अब सल्फोन में से ये एक ही वाइडली यूज होता है वो है डेप्सॉन टू ट्रीट द लेप्रोसी उसके मेकेनिज्म इज केमिकली रिलेटेड टू सल्फन एमाइड एंड हैज द सेम मेकेनिज्म ऑफ एक्शन इनहिबिशन ऑफ पाबा कि जैसे सल्फन एमाइड काम करते हैं कि पाबा को इनहिबिट करते हैं पाबा इन इन्हीबिशन ऑफ पाबा फॉलिक एसिड बाय फॉलेट सिंथेस तो ये पॉइंट आपको एम सी क्यू के लिए याद रखना है अच्छे से नेक्स्ट है द एंटी एक्शन ऑफ डेप्सोनिज एंटागोनाइज बाय पाबा तो ये आपको एक याद रखना है कि एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी और एक्शन ऑफ डेप्सोन इज एंटागोनाइज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ए पाबा तो एज एन एंटीबैक्टीरियल डेप्सोन इनहिबिट द बैक्टीरियल सिंथेसिस ऑफ डाईहाइड्रोफोलिक एसिड वाया कॉम्पिटिशन विथ पैरामाइनो बेंजोइट फॉर द एक्टिव साइड ऑफ डाईहाइड्रोटेरॉइड सिंथेस देर बाय इनहिबिटिंग द न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस तो मेनली जो बैक्टीरिया के अंदर एक्टिव बैक्टीरिया एक्टिविटी के अंदर ये क्या करता है डेप्सॉन तो इनहिबिट करता है न्यूक्लिक एसिड का सिंथेसिस उसकी प्रोटीन बाइंडिंग रहती है सेवेंटी टू नाइन्टी परसेंट साइड इफेक्ट के अंदर नॉजिया है वॉमिटिंग लॉस ऑफ हेपेटाइट डिजीनेस विजन रेंजिंग इन द ईयर्स हेड होता है इंसोमिया वगैरह डेपसन की साइड इफेक्ट्स से। है से। सेकंड की जो क्लोफाजिमिन तो वो क्या करता है कि क्लोफाजिमाइन वर्क्स बाय बाइंडिंग द गुएनाइन बेस ऑफ बैक्टीरियल डीएनए तो ये आपके लिए बन सकता है एक पिन पॉइंट कि जो क्लोफाजिमाइन है वो वर्क करता है बाय बाइंडिंग तो विच बेस ऑफ बैक्टीरियल डीएनए तो बाय गुएन बेस देअर फायर Blocking the template function of DNA and inhibiting the bacterial proliferation, alteration of membrane structure and transport function in a microorganism, and then Disrupts uh, disruption of mitochondrial electron transport chain. Trade name se uske lamprin and उसकी हाफ लाइफ है सेवेंटी डेज ओरली एक्टिव एंड फोर्टी टू सेवेंटी परसेंट इज एबजॉर्व उसकी साइड इफेक्ट देखें तो आप रेडिस ब्लैक डिसकलरेशन ऑफ द स्किन स्पेशली ऑन एक्सपोज पार्ट कि जो पार्ट आपके एक्सपोज होते हैं थ्रू दिस ये ड्रग के तो वो पार्ट का रेडिस ब्लैक डिसकलरेशन होता है डिसकलरेशन ऑफ हेयर एंड बॉडी सिक्रेशन कि आपके हेयर का डिसकलरेशन होता है बॉडी सिक्रेशन जो है कि उसके अंदर आप इंक्लूड कर सकते हैं यूरिन सलाइवा सीमेन, टीयर जितने भी बॉडी सिक्रेशन है उसका डिसकलरेशन होता है ड्राइनेस ऑफ स्किन इचिंग इज ऑफ़न ट्रबलसम। ट्रबल सम तो क्लोफाजिमाइन इज टू बी अलो ड्यूरिंग द अर्ली प्रेगनेंसी एंड इन पेशेंट विथ लीवर और किडनी डैमेज तो उसका जो साइड इफेक्ट देखे नोजिया है एनोरेक्सिया एबडोमिनल पेन वेट लॉस वो भी उसकी अधर मेजर साइड इफेक्ट्स है तो रेडिस ब्लैक डिसकलर रे उसकी मेन साइड इफेक्ट और उसके अलावा दूसरी जो साइड इफेक्ट देखे तो नोजिया एनोरेक्सिया एबडोमिनल पेन एंड वेट लॉस तीसरी जो ड्रग है वो है रिफाम पेन तो उसके बारे में जानते हैं अब तो उसका जो बेसिक यूज तो हमें पता ही है कि लेप्रोसी में यूज़ होती है बट दिस इज इंपोर्टेंट ट्यूबर सीडल ड्रग ट्यूबर ड्रग एंड इज ऑल्सो द मोस्ट पोटेंट सीडल ड्रग सीडल ड्रग मतलब कि ऐसी ड्रग्स की जो कंप्लीटली माइक्रोब्स को कर देती है किल एंड सीडल फॉर माइक्रो लेप्रे ऑल्सो भले वो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है और उसमें भी वो ट्यूबरकुलडल है बिकॉज वो भी माइकोबैक्टीरियम लेप्रे एज वेल एज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस दोनों को वो क्या करती है किल एक्शन है एंड रैपिडली रेंडर्स पेशेंट नॉन क्वानजियस अपी नाइन पॉइंट नाइन नाइन परसेंट ऑफ माइक्रोबैक्टेरियम लेप्रे आर किल इन थ्री टू सेवन डेज बाई सिक्सटी एम जी पर डे डोज तो ये है इफ़ेक्टिवनेस ऑफ दिस रिफाम पिन और जिसके कारण जो लैप्रोसी की जो एमडिटी होती है उसकी इफेक्टिवनेस जो है वो भी 99.99 नाइन .99 पॉइंट परसेंट जितनी इंक्रीज हो जाती है रिफाम पिन इन्हीबिट द बैक्टीरियल डीएनए डिपेंडेंट आरएनए सिंथेसिस बाय इनहिबिटिंग बैक्टीरियल डीएनए बैक्टेरियल डिपेंडेंट आर पॉलीमरेज तो ये है आपके लिए एमसीक्यू के लिए एक पिन पॉइंट तो डायरेक्टली ये कई बार ये इसमें से क्वेश्चन पूछा गया है रिगार्डिंग रिफर्म पिन या रिफर्म पीसिन तो आपको याद रखना है उसके साइड इफेक्ट देखें तो स्टमक है हार्ट बर्न अपसेट स्टमक हार्ट बर्न नोजिया मेंस्ट्रुअल साइकिल में चेंजेस होना हेड एक फिर इफ एनी ऑफ दिस साइड इफेक्ट परसिस्ट वर्सन इनफॉर्म योर डॉक्टर एंड द मेडिएसन में कोज यूरिन स्वेट सलाइवा एंड टीयर्स टू चेंज कलर की जो येलो ऑरेंज या रेडिश ब्राउन कलरेशन ऑफ यूरिन तो वो भी एक आपके लिए एम सी क्यू का पॉइंट बनता है ऑफ दिस रिफॉर्म पीस इन साइड इफेक्ट की जो कलर चेंज होता है कि टीयर्स सलाइवा जितने भी बॉडी सिक्रेशन है उसके भी कलर चेंज होते हैं और वो होते हैं येलो जैसा येलो विस ऑरेंज और रेड या फिर ब्राउन जैसे कलर चेंज होते हैं सब जानते हैं ट्रीटमेंट मेथड विथ डोज की मल्टीबैसिलरी के अंदर ड्यूरेशन है ट्वेल्व मंथ कि जो है एम बी एल इफ ट्रीट विथ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री ड्रग्स डेप्सॉन हंड्रेड एम जी डेली कि डेप्सॉन को हंड्रेड एम जी डेली दिया जाएगा रिफाम पिसिन सिक्स हंड्रेड एम जी डेली वंस अ मंथ डेपसन को जो है वो हंड्रेड एम जी देना है डेली रिफाम बिसिन को सिक्स हंड्रेड एम जी डेली बट वंस ए मंथ एंड थर्ड क्लोफाजीमाइन इनिशियली हंड्रेड एम जी फॉर फोर्टीन डेज देन फिफ्टी एम जी डेली थ्री हंड्रेड एम जी वंस से मंथ सुपरवाइज डेली फिफ्टी एमजी डेली सेट ऑफ एडमिनिस्टर्ड तो इसी के अकॉर्डिंग टू जो पेशेंट है उसको ब्लिस्टर भी बनाकर दिया जाता है वो ब्लिस्टर के अकॉर्डिंग टू ही उसके पीछे लेबल होता है कि जो हम आगे देखते हैं और सेकंड है पीबीएल के अंदर देर आर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑनली टू ड्रग्स फॉर दिस ट्रीटमेंट इन पी बी एल की पाउसी बेसिलरी के अंदर कॉम्बिनेशन में दो ही ड्रग है डेप्सन 100 एम जी डेली एंड रिफाम पीसिन 600 हंड्रेड एम जी वंस ए मंथ तो यह है डेप्सोन का डोज रिफाम पीसिन क्लोफाजिमाइन इथियोनामाइड ओफ्लॉक्स एंड क्लैरिथ्रोमाइसिन की डेप्सन ज्यादा से ज्यादा आप उसको 100 एम दे सकते हैं रिफाम पीसिन सिक्स हंड्रेड एम जी क्लोफाजिमाइन फाइफ्टी टू हंड्रेड एम जी डेली और ये डोज देखो रिफाम पिसिन का सिक्स हंड्रेड एम मंथली डोज है तो ये होता है ब्लिस्टर एमडीटी का आप कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे कि देखो ये रिफाम पिसिन लिखा है आर तो दो टैबलेट हो गए रिफाम के की कि ये टैबलेट वन और ये है टैबलेट टू तो दो टैबलेट का टोटल रिफाम पिसिन का यहाँ पे डोज हो गया सिक्स हंड्रेड एम जी और वो डे वन को ही ले लेगा इसलिए देखो यहाँ पे ये कट दिया हुआ है तो यहाँ से कट कर लेगा पेशेंट और पहले दिन क्या करेगा डे वन को कि जब फर्स्ट डे होगा उसके ट्रीटमेंट का तो डे वन को वो पेशेंट क्या करेगा रिफाम पिसिन वाली दो टैबलेट ले लेगा कि उसको 300 प्लस 300 हंड्रेड रिफाम पिसिन का 600 हंड्रेड डोज मिल गया तो ये डे वन को रिफाम और एक ले लेगा वो पेशेंट टैबलेट डेप्सोन की फिर वो लेता है टैबलेट डेप्सोन की डेप्सोन की एक टैबलेट यहाँ पे दी हुई है दिस टैबलेट तो ये है डे वन का उसके बाद बाकी के दिन का आप देखो यहाँ से दिखा हुआ है तो नंबर टू थ्री फोर फाइव डैश डैसेस एट के बाद ये नाइन फिफ्टीन सिक्सटीन और ट्वेंटी एट डेज का कम्प्लीटली ये साइकिल चलता है और बाकी के ट्वेंटी एट डेज तक पेशेंट जो है वो कंटिन्यूसली लेता रहेगा डेप्सॉन तो डैपन हंड्रेड एम जी डेली मिला प्लस रिफाम पेसिन सिक्स हंड्रेड एम जी वन से मंथ तो ये देखो रिफाम पेशेंट सिक्स हंड्रेड एम जी वंस वंस इन ए मंथ है जबकि डेप्सोन जो है वो बाकी के सभी दिन पेशेंट ले रहा है और उसका जो डोज है वो हंड्रेड एम जी तो ये है नोवार्टिस की और, और लिखा है कि डोनेटेड बाय नोवार्टिस एंड सप्लाइड बाय डब्ल्यू एच ओ यहाँ पर लिखा हुआ है उसके मैन्युफैक्चरिंग डेट है एक्सपायरी डेट है वंस अ डे यहाँ पे कंप्लीटली लेबल करके दिखा और लिखा हुआ है कि फ्री ऑफ चार्ज एंड निःशुल्क कंप्लीटली वहां पे वो लिखा हुआ है ऑन दिस टैबलेट्स तो ये देखा हमने अभी कंटेनर वो था पीबी का कि जब पीबी वाली जो होती है कि जिसके अंदर दो ही कॉम्बिनेशन रहते हैं एक वन से मंथ डे वन का रिफॉर्म पिसन और डेप्सॉन और बाकी के दिन पेशेंट लेता है 100 एम की डेप्सोन और फुल कोर्स रहता है जिसके अंदर छह ब्लिस्टर पेशेंट को देते हैं सेकंड है मल्टी बेसिलरी के अंदर तो उसके अंदर ऊपर वाला जो कटक है तो ये है वन से मंथ वाला डे वन का जिसके अंदर है दो कैप्सूल दी हुई है रिफाम की तीन कैप्सूल दी हुई है क्लोफाजिमाइन की एंड एक टैबलेट है डेप्सोन की कि जो व्हाइट कलर की जो टैबलेट जो है वो आप देख सकते हैं उसके बाद देखिए वंस डे, दे, बाकी जो सीक्वेंस जो चालू हो जाता है तो बाकी के वंस डे, वन कैप्सूल ऑफ क्लोफाजिमाइन एंड वन टैबलेट ऑफ डेप्सन तो ये पूरा ये दिया हुआ ही है जिस तरह से बाकी के ट्वेंटी डेज डेज तक ये वाले साइकिल में पेशेंट जो है वो टेबलेट रहता रहेगा और ये इसका फुल कोर्स रखता है ट्वेल्व बिस्टल का तो इसको अच्छे से याद रखना है फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ट्रीटमेंट फॉर फॉर वीक कि हर एक ब्लिस्टर एटलीस्ट चार वीक लिए देखो आप सेवन इंटू फॉर इज इक्वल टू ट्वेंटी एट डेज की जो टेबलेट है वो पेशेंट को दी हुई होती है और टोटल कोर्स रहता है इसे बारह ब्लिस्टर का तो यही है टेबल ट्रीटमेंट मेथड विथ डोज कि जिसको हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एम डी टी रेजिमेंट फॉर एडल्ट के लिए है ये मल्टी बेसिलरी एंड पोसी बेसिलरी के अंदर मल्टी में हमने जाना कि रिफाम पीसिन सिक्स हंड्रेड एम जी वंस मंथली क्लोफाजिमाइन का एक बार थ्री हंड्रेड एम जी वंस मंथली डेप्सन हंड्रेड एम जी डेली और क्लोफाजिमाइन जिमाइन फाइव हंड्रेड एम जी डेली और ये है उसके ये ब्लिस्टर्स ऐसे ही आ, रिफाम पीसिन एंड डेपसोन सिक्स हंड्रेड एम जी हंड्रेड एम जी वंस मंथली रिफाम पीसिन एंड डेली डैपसोन की वो पी वाले क्लासेस के अंदर ऐसे ही चिल्ड्रन के अंदर भी आपको एम सी पूछा जा सकता है फॉर द चिल्ड्रन्स कि एम बी लेप्रोसी के अंदर रिफाम 450 चार सौ पचास एम जी देते हैं वंस मंथली डेप्सोन का डोज रिड्यूस हंड्रेड से हो कि यहाँ पे पचास हो जाता है क्लोफाजिमाइन का भी डोज एक सौ पचास और क्लोफाजिमाइन की जो एवरी अधर डे लेनी है उसका डोज बन जाता है फिफ्टी एम जी इसी तरह से ये ब्लिस्टर भी होते हैं कि 10 से लेकर 14 साल के चिल्ड्रंस के लिए और सामने पीबी लेप्रोसी इन चिल्ड्रंस रिफाम पिसन का डोज फॉर फिफ्टी एमजी इन डेप्सोन का फिफ्टी एम जी डेली और ये है उसके ये ब्लिस्टर्स इस तरह से ट्रीटमेंट होती है विथ डोज ऑफ लेप्रोसी द एप्रोप्रियट डोज फॉर चिल्ड्रन अंडर द टेन ईयर्स ऑफ द एज कैन बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी वेट के अब 10 साल से नीचे के चिल्ड्रन में हुआ है तो उसके लिए रिफाम पिसिन टेन एम पर किलोग्राम के वेट पे दी जाती है क्लोफाजिमाइन सिक्स एम पर किलोग्राम मंथली एंड वन एम पर किलोग्राम पर बॉडी वेट डेली और तीसरा डेप्सोन टू एम पर किलोग्राम पर बॉडी वेट डेली तो इस तरह से जब दस साल से नीचे का कोई चिल्ड्रन होता है तो उसके लिए इस तरह से ये ट्रीटमेंट की जाती है तो यहाँ पे हमारा बेसिक यूज ऑफ ड्रग्स एंड मेडिसिन का पार्ट सिक्सटीन कंप्लीट होता है आप जो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं योर नेम नेवर मिस एनी वीडियो ऑफ फार्मारोक्स यूज दॉक्स एंड्रॉइडल प्ले एपल आई फोन एप ऑन ऐप स्टोर सो गेट लिंक्स इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम जीपे टेस्ट सीरीज फार्मासिस्ट डी आई Video lecture, study material, and topic wise test series, which is available on the mobile app. So, good luck and all the best.